वेल गाइस, अगर आप लोगों को भी पैसे की जरूरत है तो आप लोग मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर देखेंगे कि DMI फाइनेंस से मुझे यहाँ पे 10,000 का जो अमाउंट है वो अप्रूवल हो चुका है। आप लोग मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की जरूरत है और आप सबके पास है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट, तो आप लोग ले सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अप्लाई करके 10,000 से 9,00,000 रुपए तक का राशि। इंस्टेंट ऑनलाइन सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, कोई भी पेपर वर्क आप सबके घर पे नहीं किया जाएगा। अगर आप सबके पास भी है सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, तो आप लोग ले सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन DMI फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करके। 10,000 का अमाउंट मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें मिनिमम EMI जो बना है वो 1,000 रुपए का है। तो अगर आप लोगों को भी पैसे की जरूरत है, लोन के लिए काफी परेशान हो चुके हैं और कई सारे एप्लीकेशन को अगर आपने ट्राई कर लिए हैं, कहीं से लोन अमाउंट नहीं मिल पाया है, क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर थोड़ा लो है, तब भी आप लोगों को यहाँ पे लोन अमाउंट दिए जाएंगे। चाहे आप लोग सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोनों आदमी को यहाँ से लोन दिए जाते हैं। बट कैसे आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसेस एक एक करके सभी डिटेल्स में बताए हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। सबसे पहले गाइस आएंगे अपने प्ले स्टोर पर, आने के बाद यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेंगे DMI फाइनेंस लिख करके आप लोगों को सर्च करना है। इस एप्लीकेशन का जो लोगो है वो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। इसी एप्लीकेशन को आप लोगों को यहां से इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारा यहां पे इंस्टॉल किया हुआ है, इस एप्लीकेशन को यहां पर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइस आप लोग के सामने अब एक नए पेज आएंगे। तो यहां पे गाइस आप लोग को कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर है, जस्ट इस वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है और यहां पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। सेंड OTP वाले पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल करके जो है वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आप लोग से यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पर परमिशन को अलाउ करने पड़ेंगे। तो कंटिन्यू वाले पे क्लिक करके यहाँ से परमिशन को अलाउ कर देंगे। जैसे ही अलाउ वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग के सामने एक 4-डिजिट MPIN यहाँ पर सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे MPIN को सेट कर लेंगे, कन्फर्म करेंगे, ठीक है। एक बार और आप लोग को यहाँ पर MPIN डालने हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पर MPIN डालेंगे 4-डिजिट और कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद का यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा कि यहाँ से इंस्टेंट लोन आप लोग जो है वो ले सकते हैं। पूरा यहाँ पे 10,000 से 8,00,000 तक का राशि दिया जाएगा, जिसमें फुल्ली डिजिटल प्रोसेस होगा, नो पेपर वर्क है, यानी कि आप सबके घर पर कोई भी पेपर वर्क नहीं किया जाएगा, फुली डिजिटल यहाँ पे पेपरलेस प्रोसेस आप सबका होगा। सी लोन ऑफर वाले पे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा गाइस कि इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो कम से कम 10,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 8,00,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। मंथली रीपेमेंट कम से कम यहाँ पे 500 का EMI बन सकता है और कम से कम टेन्योर जो मिलेगा वो 6 मंथ का समय मिलेगा। एनुअल इंटरेस्ट की बात कर ले तो स्टार्टिंग में आप सबको 15% यहाँ पर बताया गया है कि लग सकता है। तो यहाँ से अगर आप लोग लोन को अप्लाई करना चाहते हैं गाइस, तो यहाँ पे 10,000 से 9,00,000 तक का राशि मिल जाएगा। मंथली EMI 1,000, 4 से 6 मंथ का समय मिल जाएगा। लोन अगर लेना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ है, इस वाले पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को अपना नाम और आप सबका जो ईमेल आईडी होगा वो आप सबको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पर इंटर करेंट पिन कोड डालना है। तो जहाँ पे अभी आप सब है उस जगह का एरिया पिन कोड आप लोग जो है यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को 2 ऑप्शन मिलेंगे, चूज एम्प्लॉयमेंट टाइप का ऑप्शन आएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप लोग कहीं पे जॉब करते हैं, सैलरी जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब है, आप लोग को सैलरी मिलता होगा तो आप लोग सैलरी वाले को टिक करेंगे, और खुद का कोई बिजनेस वगैरह है तो आप लोग यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड को टिक करेंगे। तो आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी लोन मिलेगा और सैलरीड पर्सन है तो भी लोन मिलेगा, यानी कि दोनों पर्सन को यहाँ पर लोन दिया जाता है। तो आप लोग जो है वो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद का यहाँ पे आप सबको इंटर मंथली इनकम आप लोग को फिल करना है कि एक महीना में आप सबका अर्निंग कितना है, कितना कमाते हैं एक महीने में, वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे। तो जो भी आप सबका है, अगर आप लोग 10 कमाते हैं गाइस तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग 35 या 40 के आसपास में यहाँ पे डालेंगे, तो लोन अमाउंट यहाँ पर मिलने का जो चांसेस है वो आप लोगों का बढ़ जाता है। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे मंथली इनकम जो है वो 25,000 से ज्यादा ही यहाँ पर डालेंगे, ताकि आप सबको बेस्ट लोन ऑफर मिल सके। उसके बाद यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा चूज जेंडर, मतलब कि अगर आप सब मेल हैं तो आप लोग मेल वाले को टिक रखेंगे, फीमेल हैं तो फीमेल वाले को टिक कर लेंगे, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सबको अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, तो वही डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे जो आप सबके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है, उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करेंगे। तो जो भी आप सबका डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को जो है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सबको ऐड करेंट होम एड्रेस यहाँ पर आप लोग को जो है वो ऐड करना है। तो चूज एड्रेस है, इस वाले पे क्लिक करेंगे और अपना लोकेशन के हिसाब से अपना एड्रेस को यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोग अपने से यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा चूज रेसिडेंट टाइप, मतलब कि आप सब जो रह रहे हैं वो रेंट पर है या फिर आप सबका खुद का है। अगर आप सबका खुद का है तो यहाँ ओनर वाले को टिक करेंगे, और रेंट पे हैं तो रेंटेड वाले को आप लोग को यहाँ पर टिक करना है, और उसके बाद नेक्स्ट। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग से एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पर पूछा जाएगा।
तो अगर आप लोग मान लीजिए कि कहीं पे जॉब करते हैं, जैसे कि हम सैलरीड पर्सन को टिक किए हैं, तो हमें यहाँ पे कंपनी का नाम फिल करना है और टोटल एक्सपीरियंस क्या है वो फिल करेंगे। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप लोग को यहाँ पे अपना कंपनी का शॉप का नाम डालना पड़ेगा और कितने समय से हैं वो भी यहाँ पर आप लोग को डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से वर्क का एड्रेस फिल करेंगे कि आप लोग जहाँ काम करते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। तो कंपनी का एड्रेस जहाँ पे भी आप सब जॉब करते हैं उस जगह का एड्रेस यहाँ पर फिल करके नीचे नेक्स्ट वाले पे आप लोग जो है वो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा कि गाइस इस एप्लीकेशन से आप लोगों को मिल सकता है 10,000 से 9,00,000 तक का राशि। तो आप यहाँ पर कितना राशि लेना चाहते हैं वो आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग 20 सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे चाहिए आप सबको 50, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग को 50 चाहिए और 50 से नीचे चाहिए, ठीक है, तो 50 मैक्सिमम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरफ स्क्रॉल डाउन करके। अगर आप लोग को 1,00,000 तक का राशि चाहिए या 1,00,000 से नीचे का चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे फिलहाल 1 सेलेक्ट कर लीजिए और आगे अपना कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सबका रिव्यू में रहेगा 90 सेकंड, ठीक है। तो 90 सेकंड तक आप लोग अपने पेज को कट या रिफ्रेश नहीं करेंगे, 90 सेकंड का आप लोग यहाँ पर को वेट कर लेंगे। उसके बाद फाइनल लोन ऑफर जो भी आप सबके लिए होगा वो आप सबके स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे कि हमारे लिए यहाँ पर देखिए कि कस्टमाइज योर लोन ऑफर जो हमारे लिए हुआ है वो कम से कम यहाँ पर हम 10,000 का राशि ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे 25,000 का राशि ले सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग चाहे तो यहाँ पे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना राशि लेना चाहते हैं अपना कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे अपना कम ज्यादा अमाउंट को भी कर सकते हैं। तो जितना राशि आप लोग लेना चाहते हैं उतना राशि को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे नेक्स्ट वाले पे आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे। तो जैसे कि गाइस हम यहाँ पे 10,000 का राशि को सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस मिले हैं, पहला यहाँ पे 6 मंथ के लिए, दूसरा यहाँ पे 12 मंथ के लिए। अगर हम इस राशि को 12 मंथ के लिए यहाँ पर लेते हैं तो मंथली ईएमआई बनेगा 1,015 रुपये का। अगर इस राशि को हम यहाँ पे 6 मंथ के लिए लेते हैं तो मंथली ईएमआई बनेगा 1,856 रुपये का, ठीक है। तो दो ऑप्शन मिल गया है, आप लोग जितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा यहाँ पर डिटेल्स में आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सबका लोन का पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। एक बार रिव्यू एंड कंफर्म लोन होगा तो लोन अमाउंट कितना है वो भी दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर फीस एंड टैक्सेस कितना लगा है वो दिखाएगा। आप सबके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। 9,292 रुपये आप सबके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा। नंबर ऑफ ईएमआई कितना है यहाँ पर डिटेल्स में है। मंथली पेमेंट कितना करना होगा यहाँ पर डिटेल्स में है। सारा कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग इस लोन को लेना चाहते हैं तो नीचे कंफर्म लोन है इस वाले पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आगे अब आप सबका यहाँ पर लोन जो है वो यहाँ पर अप्रूव मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आगे अब आप सबको यहाँ पर केवाईसी करना होगा, तो केवाईसी अपना आधार कार्ड से करेंगे, एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बाद बैंक डिटेल्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। जिस बैंक अकाउंट में पैसा को लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड करना होता है। तो कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले केवाईसी करना होगा। तो आधार नंबर डालेंगे और आप सबके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पे ओटीपी आएगा, डाल करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जिस बैंक अकाउंट में पैसा को लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड करेंगे और उसके बाद आप सबके बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो जमा कर दिया जाएगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि हम यहाँ से 10,000 का राशि जो है वो ले चुके थे और हमारा यहाँ पर टोटली जो है वो पेमेंट भी यहाँ पे हो चुका है। तो आप लोग को कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो पर्सनल लोन हम यहाँ पर ले चुके हैं 10,000 रुपये का। देखिए लोन अमाउंट 10,000 रुपये है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो बिल्कुल जीरो है क्योंकि हम यहाँ पे सभी ईएमआई को पेमेंट भी कर चुके हैं। नेक्स्ट ईएमआई देखिए यहाँ पे 0,0 है क्योंकि हम सारा ईएमआई को यहाँ पर पेमेंट कर चुके हैं। मैनेज वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोग देख पाएंगे कि हमारा लोन जो है वो क्लोज हो चुका है। बाकी यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री है, कैसे कैसे हम यहाँ पर पेमेंट किए थे वो डिटेल्स में दिया गया। हम यहाँ पर देखिए कि 3 महीनों के लिए इस लोन के लिए थे 3496 रुपये का पहला ईएमआई था, 3496 का सेकेंड ईएमआई था एंड 3496 का थर्ड ईएमआई था। तो हम 3 महीना में ही इसको जो है वो पेमेंट कर दिए। 3 महीनों के लिए ही हम यहाँ पे लोन लिए थे। तो आप लोग यहाँ पे मेरा पेमेंट का हिस्ट्री भी देख लिए। तो हम यहाँ से गाइस ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, 10,000 का अमाउंट लिए थे जो कि हम इसको रीपेमेंट भी यहाँ पे कर चुके हैं। अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत है तो आप लोग डीएमआई फाइनेंस से 9,00,000 रुपये तक का राशि यहाँ पर ले सकते हैं। अब फिर से हम अगर लोन लेना चाहते हैं गाइस तो यहाँ पर हमको प्री अप्रूव लोन फिर से मिल जाएगा जिसमें गेट स्टार्टेड है, इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना बैंक का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पर अपलोड करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे जो है वो लोन ऑफर दिया जाएगा। तो मुझे फिलहाल अभी पैसे की जरूरत नहीं है इसलिए हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को अभी फिलहाल जो है वो अपलोड नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अगर आप सब चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।